आरा के पकड़ी मोड़ पर भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है और साथ ही आकर्षक लाइटिंग से पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। डॉक्टर ईसा गली के समीप संकट मोचन क्लब की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी। पंडाल और मूर्ति में लगभग 7.5 लाख तक लागत आने का अंदाज बताया जा रहा है। पकड़ी मोड़ से लेकर जज मोड़ तक की गई है ताकि पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी ना पड़े। पंडाल को 45 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। सभी कारीगर बंगाल के रहने वाले हैं जो पंडाल के अंतिम चरण तक पहुंच जाएंगे। यहां के पूजन पंडालों में श्रद्धालुओं की सर्वाधिक भीड़ देवी दर्शन के लिए उमड़ती है, इसलिए सुरक्षा को लेकर समिति के सदस्यों को तैनात रखा जाएगा। क्या मन में विचार आया था? विचार यही आया था कि हम लोग छठ पूजा में भी स्टॉल लगाते हैं, रामनवमी में स्टॉल लगाते हैं, हर पूजा पाठ में हम लोग आगे रहते हैं, इसलिए सोचा गया सारे कमेटी छोटे छोटे बच्चों ने बोला कि एक पूजा स्थान हम लोग भी अपना कमेटी बनाया जाए, कुछ और अधिक किया जाए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या है? हमारे पास 35-40 वॉलंटियर हैं, हमारे पास CCTV कैमरा है, 8 लाइट की व्यवस्था की गई है। लाइट पकड़ी चौक से लेकर सांस्कृतिक भवन तक। तो मतलब ये पहली बार आने वाले समय में भी आप लोग रखेंगे? आने वाले समय में अब हम विचार किया जाएगा, आगे वाले समय में हम लोग रख भी करेंगे, तो कोशिश किया जाएगा।